प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से निर्वाचित हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने टिकट देने के लिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत शीर्ष आलाकमान का धन्यवाद किया है। लगातार चौथी बार संसद सदस्य बनने वाले दीपेंद्र हुड्डा देश के कम उम्र के सांसद भी बने हैं। इससे पहले ये खिताब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास था। वे 45 साल की उम्र में चौथी बार संसद पहुंचे थे, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा 42 साल की उम्र में चौथी बार सांसद बने हैं। निर्वाचन अधिकारी से सर्टिफिकेट लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब हरियाणा की आवाज़ संसद में भी सुनाई देगी। हरियाणा के लोगों ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का, कि जिन्होंने जिस मेरे को इस उपयुक्त समझा, राज्यसभा में अपने उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने रखा। कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, कांग्रेस की हमारी महासचिव प्रियंका जी का, सभी शीर्ष नेतृत्व का, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी हरियाणा के आज़ाद साहब का, हरियाणा कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष आदरणीय शैलजा जी का, हमारे नेता विपक्ष आदरणीय हुड्डा साहब का, और कांग्रेस के विधायक दल के सभी विधायकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस राज्यसभा चुनाव में सबका आशीर्वाद मिला। साथ ही मैं हरियाणा के करोड़ों लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जितना आशीर्वाद, साथ, सहयोग मुझे इस चुनाव में मिला और लगातार मेरे राजनीतिक सफ़र में आज तक सबका इतना आशीर्वाद और इतना सहयोग जो मिला हरियाणा करोड़ों लोगों का, मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूं। सुबह मेरी जानकारी में एक चीज़ आई कि फोर्थ टर्म, चौथा जो टर्म है, इससे पहले सबसे कम आयु में कमलनाथ जी जब 45 साल की आयु में फोर्थ टर्म के सांसद बने थे, तो चौथी टर्म देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे को जो मिली है, जो है 42 साल की आयु में, तो मैं जो है मैं समझता हूँ कि इसका जो है मैं हरियाणा के लोगों को और अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जो इतनी भावना है, इतना आशीर्वाद रहा है, मैं उसको उनको श्रेय देना चाहता हूँ। मैं मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इस आशीर्वाद के अपने आप को काबिल साबित करूं। आज इस चुनाव के बाद विपक्ष की वहाँ पे आवाज़ बनने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे, और मेरा प्रयास रहेगा कि विपक्ष की आवाज़ भी सदन के चार दीवारी में, विपक्ष की आवाज़ भी हरियाणा से बुलंद हो, विपक्ष का दृष्टिकोण भी पहुँचे, क्योंकि प्रजातंत्र तब मजबूत है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती से अपना काम करें। तो इसीलिए बैलेंस के लिए, हालांकि एक तरफ नंबर का बैलेंस नहीं है, एक तरफ 14 हरियाणा से भाजपा के सांसद जाएंगे, मगर मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं, क्योंकि आप भी प्रजातंत्र के जागरूक प्रहरी हो, आप लोग भी चाहते हैं प्रजातंत्र के अंदर सभी की आवाज़ रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा के, कि विपक्ष की आवाज़ भी बराबर उनको संसद की चार दीवारी से सुनाई देगी। वहीं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष पद के ऑफर देने के बारे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर संगठन पर चुनावी प्रत्याशी का फैसला करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है और हालातों पर चर्चा करके ही बात आगे बढ़ाते हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी संगठन के पद की का फैसले की बात हो, कांग्रेस के किसी भी चुनाव में प्रत्याशी
घोषित करने की बात हो, उम्मीदवार बनाए जाने की बात हो, तो हमारी एक प्रक्रिया रहती है और हमारा शीर्ष नेतृत्व सारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोई भी फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है। हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा विकास, निवेश और रोजगार के मामले में देश में नंबर वन पर था, लेकिन अब प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति हो गई है, निवेश घटकर शून्य हो गया है और देश के 22 सबसे ज्यादा नशा प्रभावित जिलों में हरियाणा के 10 जिले शामिल हैं। बीजेपी और जेजेपी की सरकार, गठबंधन सरकार की जो दिशाहीनता दिखाई दे रही है हरियाणा में, आज उसको लेके बड़ी चिंता हमें सबको हो रही। जो हरियाणा 2014 में देश में विकास दर में नंबर एक था, निवेश दर में नंबर एक था और बेरोजगारी जिस प्रदेश में सबसे कम थी 2.8% 2014 में कांग्रेस के सरकार के समय, आज 6 वर्ष के बाद वही हरियाणा विकास दर में जो पिछलग्गी प्रदेश हैं उनमें हरियाणा गिनती है, निवेश कुछ हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं और बेरोजगारी 30% त्रिपुरा के साथ हरियाणा की बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा है। नशे के मामले में, नशे के चपेट के 22 सबसे ज़्यादा जिले हैं, उनमें से 10 हरियाणा के हैं, उनमें सबसे हरियाणा की आगे गिनती है। अपराध दर पूरे देश में, अपराध दर और महिलाओं के ऊपर अपराध दर में हरियाणा का नाम सबसे अगली पंक्तिम के खड़े राज्यों में से एक हरियाणा का नाम दिखाई दे रहा है। तो साफ है कि हरियाणा की जो नौजवान पीढ़ी है, सरकार की दिशाहीनता की सबसे बड़ी चोट उनको पड़ी है। जिस नौजवान पीढ़ी को सरकार ने बेरोजगारी, नशे और अपराध की तरफ झोंकने का काम किया है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।